आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखा करें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे शेयर कर सकें। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और बताते हैं आपको कि क्या कुछ प्राप्त होने वाला है आप सभी लोगों को। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है कोर्ट केसेस को लेकर के। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज के दिन एक मैराथन सुनवाई होने वाली है और इस मैराथन सुनवाई में प्राथमिक स्तर से बीएड को बाहर करने के लिए कई लोगों की याचिकाएं लगी हुई हैं और उस पर एमएचआरडी मिनिस्ट्री, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एनसीटी आप लोगों के लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के रूप में सामने आई हैं। आप लोगों के बचाव के लिए महान्यायवादी तुषार मेहता जी ये आपके मुद्दे को लेकर के कोर्ट के सम्मुख उपस्थित होंगे और कोर्ट को बताएंगे कि केंद्र सरकार की राय क्या है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को नर्वस होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें सभी आपके साथ हैं और शिक्षा जैसे पॉलिसी मैटर पर जब सरकारें जिस तरफ झुकती हैं, जिधर उनका झुकाव होता है, फैसले उधर ही आते हैं। आप सभी लोग नर्वस बिल्कुल मत होइए। और कुछ लोगों ने, मतलब विद्यार्थियों ने बताया कि सर कुछ चैनल ऐसे बोल रहे हैं कि बीएड वालों की सुस्ती ने जो है डीएलएड और बीटीसी वालों को बढ़त दे दी है। तो सुस्ती तो वास्तविकता में आप लोगों में होती है, क्योंकि जो आपके लिए कार्य करता है ना, आप लोग उस पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते हो। क्या रे, एक रोज वीडियो बनाते हैं, इनका काम ही है वीडियो बनाना। हमारी व्यस्तता आपसे ज्यादा है। यदि आप सभी लोग टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी में निश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे हैंडमेड नोट्स प्राप्त करिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित बनाइए। 93% प्रश्नों की गारंटी हम लेते हैं। कोई न तो संस्थान लेता है, न यूट्यूब चैनल लेता है। जो चैनल आप सभी लोगों को बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कराने के दावा कर रहे हैं और 7000 से लेकर के 9000 के बीच में आपको कोर्स बेच रहे हैं, दे रहे हैं, आप वहां पर बार्गेनिंग कराने नहीं जाते हो। लेकिन यहाँ पर अगर आपको 1000-1200 रुपए की चीजें मिल रही हैं तो आप यहाँ बार्गेनिंग कराते हो, सर 50% छोड़ दीजिए, सर 500 छोड़ दीजिए, सर 200 छोड़ दीजिए, है ना। तो इसीलिए आप छोड़ने छोड़वाने वाला सिस्टम मैंने बंद कर दिया। लेना है तो लो, नहीं लेना मत लो। ठीक, चलिए खबरों को शुरुआत करते हैं। और यदि आप सभी लोग नोट शायद प्राप्त करना चाहते हैं तो 97 41 13 85 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे इसको प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप मेरा 24 घंटे चलता है और ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं जिसे मैं रिप्लाई ना करता हूँ। हाँ, पर्सनल चीजें अगर आप पूछोगे तो रिप्लाई नहीं देते हैं, क्योंकि वो चीजें हम वीडियो में खुद ही बता देते हैं। अब कुछ लोग होते हैं, सर इसमें कितने पद बढ़ रहे हैं, सर उसमें कितने पद बढ़ रहे हैं। अरे भैया, एक आध बार निकलो, जाके चयन बोर्ड घूम के चले आओ, वहां पूछ लो सचिव महोदय से, खुद ही बता देंगे आपको कितने पद बढ़ रहे हैं, कितने नहीं बढ़ रहे हैं। जो जानकारी आप लोगों को देनी होती है वो वीडियो में दे दी जाती है। ठीक है, तो आप सभी लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी में इसमें जुटे होंगे और ये विज्ञापन आप सभी लोगों को मैंने ही कहता, सब कुछ मैंने ही उखाड़ा है। लेकिन मैं इतना जरूर कह देना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए जो तैयारी का एक अवसर मिला ना, वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के दम पे ही मिला। आप लोगों के लिए जमीनी स्तर पर काम करने वाला भी जो है, मैं एक कार्यकर्ता की हैसियत से आगे बढ़ता हूं। लेकिन मैं कुछ दिन से देख रहा हूं आप लोगों की उदासीनता मुझे बहुत नर्वस बना देती। ठीक है, तो आप सभी लोग जो चीजें पढ़ रहे हैं, जो चीजों की तैयारी कर रहे हैं, क्या वो चीजें पर्याप्त हैं? मुझे तो नहीं लगता कि पर्याप्त है। क्यों? क्योंकि जो नए नए फ्रंट पुटिये आते हैं ना, मतलब समझ रहे हैं, जो नए नए विद्यार्थी आते हैं जो डिग्री अभी अभी कंप्लीट किए हैं, वो विद्यार्थी क्या करते हैं कि मतलब फ्रंट फुट पे खेलते हैं, बिल्कुल ऋषभ पंत और जो है वीरेंद्र सहवाग की तरह। पिच चाहे स्विंग वाली हो, चाहे उछाल वाली हो, चाहे स्लो पिच हो,
एक टारगेट बनाते हैं, हमको फ्रंट फुट पे खेलना है और वो विद्यार्थी सफल भी हो जाते हैं। बात समझ में आ रही ना? और ऐसे कई विद्यार्थियों ने हमसे नोट्स आज दिए हैं, हम आपको बता देना चाहते हैं आपका सामना हमारे दिए हुए नोट्स वाले विद्यार्थियों से है और कसम से जो है गदर मचाने वाले हैं इस वेकेंसी में, समझ रहे ना? तो 97 41 13 85 पर आप भी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। टीजीटी पीजीटी में कई विद्यार्थियों को फॉर्म रिजेक्ट होने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। कल से फार्मों का फिल्टराइजेशन का कार्यक्रम शुरू होने चल रहा है, क्योंकि शासन ने सहमति दे दी है कि फार्मों का फिल्टराइजेशन करके बोर्ड रेडी रखे। इसमें भी आपको 1.5 महीने का टाइम लगेगा। तो कल से आपके फार्मों का फिल्टराइजेशन शुरू होने चल रहा है और इसमें जो पहले आवेदन में गलती करने वाले विद्यार्थी हैं जिन्होंने मेजर फॉल्ट किया है, जैसे एसेंशियल डिग्री में होता है कि बीएड को यस करना होता है, क्या आपके पास एलडी या बीएड की डिग्री है, उसमें कई विद्यार्थियों ने नो कर दिया है, ऐसे विद्यार्थियों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे वो विद्यार्थी जिन्होंने अपने नाम की जगह पर पिताजी का नाम, पिताजी के नाम की जगह पर माताजी का नाम, माताजी के नाम की जगह पर पिताजी का नाम डाल दिया है, ऐसे विद्यार्थी लटक जाएंगे। चौथे वो विद्यार्थी जिन्होंने सिग्नेचर एक अक्षर अपना लिखा है उसके बाद गुथमुचा दिया है, ऐसे विद्यार्थियों का भी कल्याण होना तय है, ठीक है। नेक्स्ट वो विद्यार्थी जिन्होंने व्हाइट ग्रे और स्लेटी कलर की फोटो नहीं लगाई है, बाकी लाल पीला काला नीला हरा सफेद ये सब मतलब लगाई है, तो मतलब इसमें क्या होता है कि उनके भी फार्म को जो है रिजेक्ट की श्रेणी में डाला जाएगा। वो विद्यार्थी वो जो मतलब महिला स्टूडेंट जो बहने हैं जिन्होंने दुपट्टा आदि लपेट रखा है, अपने सर पे स्टॉल बांध रखा है, चश्मा लगा रखा है, कान दोनों स्पष्ट नहीं दिख रहे हैं, है ना, नजरें कहीं और हैं, निशाना कहीं और है, तो ऐसी फोटो को जो कुछ लोग होते हैं सेल्फी ले लिए हैं उसके बाद फोटो बनवा कर वही पेस्ट कर दिए हैं, तो ऐसे लोगों का भी फॉर्म रिजेक्ट होंगे। और वो विद्यार्थी जिन्होंने अपना नाम, रोल नंबर, मार्कशीट का क्रमांक और ये सारी चीजें भरते वक्त मिस्टेक किया है, गलती किया है, सफल होने के बाद की स्थिति में और जो है क्या बोलते हैं कि उनके वेरिफिकेशन की स्थिति में वो फॉर्म भी रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी ये गलतियां हैं कि कुछ विद्यार्थियों ने फॉर्म तो सबमिट कर दिया लेकिन उसकी प्रिंटआउट लेना भूल गए, है ना, तो ऐसे विद्यार्थी भी लटकने वाले हैं। और जिन्होंने अपने क्रमांक की जगह पर रोल नंबर, रोल नंबर की जगह पे परसेंटेज, परसेंटेज की जगह पर नंबर कुछ भी डाल दिया है एक्स वाई जेड, उनके भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। तो कई विद्यार्थियों के ऊपर तलवार लटकी हुई है और ये तलवार उन पे जब चलेगी तो जाहिर सी बात है उनको तकलीफ होनी ही है। और मेरे ख्याल से नहीं, कम से कम तो 3 से 4 लाख 3 लाख आवेदन जो है वो रिजेक्ट किए जाएंगे। अगर आप सभी लोग भी इसमें हैं तो समझ जाइए गुरुदेव, समझ रहे ना, क्योंकि जानकारी मिल गई है। और सार्थक गवर्नमेंट या पॉइंट यूट्यूब चैनल कभी भी किसी भी मुद्दे को लेकर के हमेशा से मुखर रहने वाला व्यक्ति है, ठीक है। सार्थक ना कभी झूठ बोलता है, सार्थक ना कभी विद्यार्थियों को बरगलाने की कोशिश करता है और सार्थक ने कभी किसी भी विद्यार्थी को गलत सजेशन देता है। मेरा एकमात्र उद्देश्य छात्र हित है, छात्रों का कल्याण। और क्या समझते हैं कि 1200 रुपए में जब आपको नोट्स हम प्रोवाइड कराते हैं तो क्या समझते हैं कि क्या उसमें से हमको जो 2000 रुपए बच जाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। मुझे 100 रुपए बचाना भी मेरे लिए मुश्किल होता है। सच बताऊं मैं बैठा ही इसलिए हूँ क्योंकि आपको वो मैटर उपलब्ध करा सकूँ। और जैसे कुछ लोग होते हैं कि एक नोट्स बुक करने के बाद वो कहते हैं कि हमको इसमें यूजीसी भी दे दीजिए, एलडी ग्रेड भी दे दीजिए, जीआईसी प्रवक्ता भी दे दीजिए,
टीजीटी पीजीटी भी दे दीजिए, पेट का भी दे दीजिए, सुपर टेट भी दे दीजिए। अरे भैया हद है, मतलब ऐसा लगता है जैसे हम बाजार खोल के बैठे हैं, आओ दो, मन हो तो चुकाओ, नहीं मन हो तो जाओ, है ना। अब कुछ लोग सीओडी पूछने लगते हैं, कैश ऑन डिलीवरी है क्या। अरे भैया फ्लिपकार्ट खोल के थोड़े बैठे हैं हम, है ना। हम ऑनलाइन फीस पेमेंट कराते हैं और आपको मैटर डिस्पैच करते हैं। वो मैटर पहले पोस्ट ऑफिस से जाता था तो आप लोगों को एक हफ्ते से का समय देना पड़ता था, लेकिन अब चूंकि टाइम पीरियड है, विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं, इसीलिए फर्स्ट फ्लाइट से हम लोगों ने करार किया और रोज हमारे पैकेट निकल जाते हैं फर्स्ट फ्लाइट से, कोरियर सर्विसेज है और आप लोगों को नोट्स 2 से 3 दिन के अंदर मिल जाता है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नंबर जो है वो 97147385 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी ये पूछते हैं कि सर पदों की संख्या कितनी बढ़ी है। तो पदों की संख्या तो जो बढ़ी है वो बढ़ी ही है, और जिन जिन विषयों में पदों की संख्या बढ़ी है उसके लिए जो एफर्ट दिखाया गया वो केवल और केवल इसी चैनल के दम पे हुआ, ठीक है। और आप लोगों को मैं बता दूं, अभी एग्जाम आदि पे कोई भी डिसीजन जो है बोर्ड नहीं ले सकता, इसलिए नहीं ले सकता, उसकी एक वजह है कि बोर्ड ही रहेगा कि आयोग बनेगा, ये अभी शासन स्तर पर स्पष्ट नहीं हो पाया है। 15 सदस्यों का चयन करना ही इस बात का संकेत है कि प्रशासन शासन जो है पूरी तरीके से मन बना चुका है नए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग का, ठीक है। 15 सदस्य का चयन इसी बात पे इंगित करता है। और मैंने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मंत्री महोदया से जब पूछवाया था तो उन्होंने भी कहा था कि शासन जो है वो पूरी तरीके से मन बना चुका है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का। तो आने वाले समय में आप सभी लोगों को बहुत जल्दी देखने के लिए मिल जाएगा कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बहाल होता है कि उसी में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कर दिया जाता है। यदि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा तो ये भी विद्यार्थियों के हित में है, ठीक है। और अभी तक नए टेट को लेकर के और नए एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के कोई फैसला इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि पीएनपी का विलय करने का पूरा प्रस्ताव शासन ने तैयार कर रखा है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी जैसी निकम्मी संस्था जो कि सब कुछ कहते हैं कि शासन से हमें कोई दिशा निर्देश नहीं है, जब सब कुछ आपको शासन से पूछना है तो आप काहे के लिए हो, हटो हटाओ, कोई मतलब नहीं है आप लोगों का, फिर है ना। तो उनके पास जाना मतलब अपना समय अपना पैसा दोनों बर्बाद करना है। मैं 2-3 बार जाकर के देख चुका, वहां के सचिव महोदय अपने चैम्बर में बैठे रहते हैं, निदाते रहते हैं, इन चीज लटकते रहते हैं, है ना। अब कोई विद्यार्थी पहुंच जाएगा तो पहले ने अपने पीए से बोल देंगे, ऐसी बात है, कह दो हम ये नहीं मिलना ही नहीं चाहते, मतलब उनमें इतनी शक्ति ही नहीं है कि किसी भी विद्यार्थी का वो सामना कर सके। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी मिलेगा तो लाखों सवाल पूछेगा, है ना, और उनका आराम में खलल पड़ेगी। तो ऐसी संस्थाओं को समाप्त कर देना ही ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आपको सुपर टेट के लिए। तो आज के केस के फाइनलाइजेशन होने के बाद आप सभी लोगों को सुपर टेट की प्रक्रिया देखने के लिए मिलेगी, लेकिन सुपर टेट की जो प्रक्रिया होगी, मैंने आपसे कहा था ना कि जो भले कोई कितना भी चिल्ला ले कि 97,000 आ रही है, 51,000 आ रही है, 17,000 आ रही है, ये शासनादेश आया वो गया, ऐसा जारी हुआ, ये मंत्री विज्ञा जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, हमने पहले ही बोल दिया था, बेफिक्र होकर के निश्चिंत होकर के लटके रहो, ठीक है, पढ़ते रहो। इस बार 14 नहीं 18 विषय पढ़ने हैं, बात समझ में आ रही है ना, 14 नहीं 18 विषय पढ़ने हैं। इन 18 विषयों में से आप सभी लोगों को 150 क्वेश्चन करने हैं और वो भी 2.5 घंटे में। टाइम पीरियड आपका आधा घंटा हर एग्जाम में बढ़ाया जा रहा है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो, चाहे वो एलटीजीआईसी हो, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी हो, कोई भी एग्जाम हो। अब उत्तर प्रदेश में जो भी एग्जाम होंगे वो 2.5 घंटे के होंगे, ठीक, 2.5 घंटे में आपको जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है ना। और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने जिस तरीके से अपने
पेपर को सेट करने का पैटर्न चेंज किया है। अब उसमें सीधे सीधे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, है ना, ये सवाल नहीं पूछे जाते हैं कि आपको कालिदास की पत्नी का नाम बताना है, ऐसे सवाल अब चयन बोर्ड के इतिहास से गायब कर दिए गए हैं। इसलिए जो उनके पूछने का जो तरीका है, अधिक से अधिक न्यूमेरिकल सवाल डालना, डिस्क्रिप्टिव सवाल डालना, विद्यार्थियों को उलझा करके रखना, ये चयन बोर्ड अब जो है अपने एक्सपर्ट टीम को समझा चुका है, जो विषय विशेषज्ञ हैं उनके, ठीक है। तो आप सभी लोगों को तैयारियां भी उसी ढंग से करनी है, और जो विद्यार्थी ये चीजें समझ चुके हैं वो विद्यार्थी मैटर आदि प्राप्त कर चुके हैं, और जो विद्यार्थी अभी भी सोच रहे हैं अरे हम अकेले पढ़ के उखाड़ देंगे, वो विद्यार्थी अभी भी लटके हुए हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके एल्टीग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। तो एल्टीग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का कल आपकी सुनवाई है आर्ता आदि के विवाद को लेकर के। शासन ने अपनी तरफ से रिपोर्ट लोक सेवा को प्रसिद्ध कर दी है कि इन इन मुद्दों पर सुनवाई करवाई जाए, और कला विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में जो चीजें लोग मतलब उहापोह की स्थितियां बना रहे थे ना कि बीएफए वालों को नियुक्ति अब मिली तब मिली, छह दिन बाद मिली, 10 दिन बाद मुख्यमंत्री आकर के ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं, मैंने पहले ही कह दिया था ना, मिलेगी तो सबको मिलेगी, नहीं मिलेगी किसी को नहीं मिलेगी, है ना। और रही बात आप लोगों की नियुक्तियों के संबंध में, मैं आप सभी लोगों से बता देना चाहता हूँ कि आप लोग जो है जिन तरीकों से जिन चीजों से उदासीन होकर के बैठे हो ना, कोई कितना प्रयास करेगा यार आप लोगों के लिए, है ना। 100 रुपये लीटर पेट्रोल है, और रोज जो है मतलब उपस्थित होना, रोज वहां पर बातचीत करने का एफर्ट यही होता है कि आप लोगों को वो चीजें दिखने लगती, लेकिन आप लोग है कि चैनल को प्रमोट नहीं करना चाहते हो। थोड़ा चैनल को प्रमोट करोगे तो आप सभी लोग, अब ऐसा तो है नहीं कि हम किसी चीज के लिए आपसे चंदा मांगते हैं, कुछ तो करते नहीं है, बस आप सभी लोग सहयोग और आशीर्वाद ही तो मांगते हैं, उसमें भी आप लोगों को तकलीफ होती है तो मत करो यार, जाओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं एल्टीग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन कब तक। जो सूचना प्राप्त हो रही है उसके आधार पर मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि 28 से 29 तारीख को आपका विज्ञापन जारी हो सकता है, ठीक है। और नए सचिव जिसे खेमकरण पाल जी से जब हम मुलाकात किए थे तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जैसे इस मुद्दे का निराकरण इधर होता है हम तत्काल विज्ञापन जारी कर देंगे। 3260 पद होंगे आपके जीआईसी में, जीआईसी प्रवक्ता में आज तक कभी इतनी वैकेंसियां नहीं है, और इतिहास में पहली बार ऐसा होना चल रहा है कि आप लोगों को एलटी ग्रेड के साथ जीआईसी प्रवक्ता मिल रही है, ठीक है ना। तो एलटी ग्रेड के साथ जीआईसी प्रवक्ता का मतलब है कि दो चांस, एक लाइफ एक्स्ट्रा और एक लाइफ आपको जो है मतलब गेमिंग के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। साथ ही साथ आपको टीजीटी पीजीटी दो चांस, एक खंड शिक्षा अधिकारी एक चांस, साथ ही साथ लोअर सबॉर्डिनेट एक चांस, उसके साथ में वीडियो और जो है मतलब आपकी लेखपाल की नई वैकेंसी डबल चांस। तो ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटी खत्म हो रही है, अपॉर्चुनिटी वही है, अवसर है, उनको भुनाने की आवश्यकता है। भुनाने की आवश्यकता का मतलब यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। बाकी सब लोग घंटी बजाते हैं, सभी लोग पूजा करते हैं, कुछ लोग नाग देवता को जो है मतलब पैकेट वाला दूध पिलाते हैं, नाग देवता वो दूध पी करके टपक जाते हैं, शुद्ध दूध पिलाया करो नाग देवता को यार, है ना। तो इसमें क्या है, भगवान भोलेनाथ जी को भी मतलब सारी चीजें जलाभिषेक वगैरह कराया जा रहा है ना। तो सद्बुद्धि दें आप सभी लोगों को, और आप लोगों को जो है मेहनत करने की प्रेरणा भगवान भोलेनाथ दें, इसके लिए सारी चीजें वो हैं। और आप सभी लोगों को ईमानदारी से प्रयास करना होगा, ईमानदारी से प्रयास करते रहिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट साथ प्राप्त करके पढ़ते रहिए, 97 41 13 85 पर आइए। और यदि आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो भाई मेरे आपको व्हाट्सएप कॉल करनी है, शाम को 5:30 बजे से लेकर के रात्रि के 8 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन एसेंशियल मुद्दा हो तभी। अगर आप अपनी पर्सनल चीजों को लेकर के हमसे डिस्कस करेंगे तो फोन काट दिया जाएगा तुरंत, ठीक है। अगर आपकी कोई समस्या है आप हमसे डिस्कस कर सकते हो,
अगर आपको कोई नोट्स आदि लेने हैं और उसके संबंध में आपको हमको कोई बात करनी है, आप हमसे बात कर सकते हो। लेकिन अब पता लगे कि सर जी एग्जाम हुआ कब तक होगा, कुछ लोग मतलब अभी एग्जाम हुआ करवा दें अगस्त में, हाय हिम्मत इतनी तैयारी है कि एक सीट ले पाओगे, नहीं कर पाओगे, जाओगे एग्जाम दे के आओगे 70-72 क्वेश्चन तुक्का तुक्की मार के आओगे, उसके बाद फिर आकर के बुकलेट उठा के फेंक दोगे, जैसे ही मिलाओगे आंसर की से जब देखोगे कि 35-40-70 क्वेश्चन हो गया, 80 क्वेश्चन हो गया, उसके बाद इच्छा ही समाप्त हो जाएगी। फिर पूछने लगो सर जी हमारा तो कैरियर तबाह हो गया, हम तो जो है मतलब ये लगता है कि आत्महत्या कर लें, ये कर लें वो कर लें। 2021 की वैकेंसी के बाद बहुत सारे विद्यार्थियों ने ऐसे मैसेजेस किए थे हमें, लेकिन आप लोगों की तकलीफों को समझते हुए शासन स्तर से मैंने प्रयास शुरू कराया और आप लोगों को टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन दिलाया। कोई यूट्यूब चैनल आपसे नहीं बोल रहा था ये चीज कि हम जो है मतलब जून में वैकेंसी आएगी भी, लेकिन हमने आपसे कहा था कि जून में वैकेंसी आएगी, अवश्य आएगी, परेशान बिल्कुल मत होइए, जून में वैकेंसी आएगी। आ गई भैया, हमको भी धमकाने वाले कई लोग होते हैं, कहते नहीं कि मतलब ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो कहते नहीं कि सैया बहन कुतवाल तो डर खाएंगे, ठीक है, गलत करता नहीं गलत सहता नहीं, बाकी जिसकी जो इच्छा होती है वो करता है, ठीक है, हम गलत नहीं है इसलिए कोई भय नहीं है, ठीक, गलत करेंगे तो उसका भय होगा, गलत नहीं है कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। आप लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करिए, करना है तो करिए, नहीं करना है मत करिए। धन्यवाद आप सभी लोगों को, दिन शुभ।